नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है WRC न्यूज के एक और वीडियो में। भारत की वायुसेना को और मजबूत करने के लिए भारत के तीनों राफेल विमान भारत की धरती पर आ गए। ये राफेल विमानों की सातवीं खेप है जो कि सीधे फ्रांस से उड़ के इंडिया में आए हैं। फ्रांस और भारत की दूरी करीबन 8000 किलोमीटर है जो कि सीधे ये उड़ के फ्रांस से इंडिया के अंदर आए हैं। इन राफेल तीन विमानों को भारत की सेकेंड स्क्वाड्रन जो कि राफेल की है उसके अंदर शामिल कर लिया गया है। इस खेप के भारत पहुंचते ही भारत के पास अब पूरे दो स्क्वाड्रन मतलब 24 की संख्या में पूरे राफेल हो गए हैं। राफेल की नई स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशिम मोरा एयरपोर्ट जो कि एयरफोर्स का अड्डा है वहां पे तैनात होगी, जिसके कारण चीन को भी चुनौती देने में इंडियन एयरफोर्स को आसानी होगी और भारत की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकता है। और वहीं पहले इंडियन एयरफोर्स की राफेल स्क्वाड्रन अम्बाला एयरफोर्स की जो एयरफोर्स का जो बेस है वहाँ पे तैनात है। और वहीं बात करें कि एक स्क्वाड्रन में कितने विमान होते तो आपको बता दें एक स्क्वाड्रन में 18 की संख्या में एयरक्राफ्ट होते हैं। और वहीं बात करें कि ये सेकंड स्क्वाड्रन कब तक काम अपना चालू कर देगी तो आपको बता दें जुलाई के अंत तक ये अपने सेकंड स्क्वाड्रन अपनी जो निरंतर जो अभ्यास होता है वो शुरू कर देगी जुलाई के अंत तक। और वहीं पहले स्क्वाड्रन की बात करें तो वो लद्दाख के आसपास चीनी क्षेत्र में गश्ती करना शुरू कर चुकी है। और वहीं बता दें कि इन तीन विमानों को फ्रांस से इंडिया आने में कहीं ना कहीं एक तरह से बोले तो जो UAE है वहाँ उसने मदद की, क्योंकि बीच में रिफ्यूलिंग की ज़रूरत होती जो कि UAE ने उपलब्ध कराया फ्यूल, जिससे कि सीधे सीधे फ्रांस से भारत ये विमान आ सके। और वहीं इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि इंडियन एयरफोर्स को फ्रांस से सीधे तीन उड़ के तीन राफेल विमान आ गए हैं। वहीं UAE एयरफोर्स को भी इंडियन एयरफोर्स ने धन्यवाद का इस ट्वीट के जरिए ताकि उन्होंने फ्यूल उपलब्ध कराया राफेल विमान को। हाशिम मोरा एयरपोर्ट पे राफेल विमान की तैनाती भी एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है इंडियन के लिए। और इस एयरफील्ड के कारण कहीं ना कहीं चीन को बहुत ज़्यादा डर भी लगता है और उसको टक्कर दी जा सकती है इस एयरफोर्स के जरिए। और वहीं बात करें कि राफेल के बारे में तो चीन इससे बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि जो फ्रांस के राफेल के अंदर जो काबिलियत है वो चाइना की जो एयरक्राफ्ट है उसके अंदर काबिलियत नहीं। यही कारण है कि चाइना ज़्यादा से ज़्यादा राफेल से ही डरता है बहुत। और आज की तारीख में एक राफेल ही है जो कि चीन को एक अलग ही लेवल पे मतलब मुठभेड़ में ले जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि जीता सकता है इंडियन एयरफोर्स को चाइना के मुकाबले। और वहीं चाइना जो है वो राफेल के मुकाबले के लिए चीन अपने J20 चेंगदू को पेश करता है, जो वो पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बताता रहता है, जो कि बस नाम के लिए पांचवी पीढ़ी का विमान है। बता दूं आपको पांचवी पीढ़ी के विमान वो होते हैं जो कि रडार में नहीं आ सकते हैं। और वहीं बात करें कि चीन का J20 का कोई युद्ध अनुभव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चाइना ने 20-30 साल से कोई युद्ध लड़ा ही नहीं है। और वहीं बात करें कि राफेल की तो उसने कई मिशनों पर अपना सफल प्रदर्शन कर चुका है। और वहीं राफेल की युद्ध क्षमता को अफगानिस्तान, लीबिया, इराक, सीरिया और माली में फ्रांसीसी वायुसेना के मिशन से साबित हो चुका है। और बात करें कि गति के मामले में तो ये पाकिस्तान के बेड़े में शामिल F-16 को पानी भी पिला सकता है, और क्योंकि उसकी स्पीड जो F-16 से बहुत ज़्यादा है।